दोस्तों तुसी देख रहे हो AMTV लाइव ते मैं अशोक मैक। पहला तो मेरे जेडे भी दोस्त साडे चैनल नूं देख रहे आ सारिआं नूं हैप्पी न्यू ईयर, नवे साल यानी कि 2022 दीआं लख लख वधाइयां। परमात्मा तुहाडे लई खुशियां ते खेड़े लैके आवे। और अज साडी टीम पहुंची आ गुरु हर साहिब दे इत्थे के जिहड़ा के लोक सेवा भलाई संस्था वल्लों एक जिहड़ा के गरीब बच्चिआं नूं जिहड़ा के कुछ शॉल गर्म कपड़े सर्द रुत्त दे कपड़े जिहड़े के वंडे जाणे आ। और लोक सेवा भलाई संस्था की पूरी टीम इत्थे मौजूद है, उन्हां नाल भी गलबात करांगे। मैं अपने कैमरामैन नूं कहूँगा पहला पूरी टीम की वीडियो जो कि तुहाडे सामने पेश करे। और सर थोमस बट्टी जिहड़े के संस्था के प्रधान ने और मैडम सोनम भट्टी जी जिन्हां दा टीम वल्लों स्वागत किया जाएगा तो वह तुहानूं दिखांदे आ। मौजूद ने लोक सेवा भलाई संस्था के प्रधान सर थोमस भट्टी जी, इन्हां नाल गलबात करते हैं कि इन्हां दी संस्था वालों किस तरह के उपराले किए जाते हैं। और अज जिहड़ा कि तुहानूं सारिआं नूं पता है 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है, अज इन्हां ने की उपराला किया है जिहड़ा लोक सेवा भलाई संस्था वालों जिहड़ा कि समाज सेवा दा। सब तो पहला जी मैं AMTV जो साडे मैक साहब आए तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो कि तुसी हर टाइम भी कई जगह पर सानूं कभी भी लोड़ पैंदी है तुसी साडे नाल बहुत साथ दिंदे हो। और मैं सब तो पहला सारे इस संसार नूं और जिन्हें भी मैं अपनी टीम नूं और 2022 दीआं लख लख वधाइयां देना और सारिआं नूं वधाइयां होण। और मैं अगे गल करदा कि असीं जिस तरह साडे सिलाई कढ़ाई सेंटर चलते रहिंदे ने, अक्सर ही तुसीं देखदे हो सिलाई कढ़ाई अते ब्यूटी पार्लर दे साडे सेंटर पिंड पिंड शहर शहर पूरे पंजाब च असीं चलाए ने। इसे तरह साडी लोक सेवा भलाई संस्था ने टीम ने जिस तरह अज गल करिए कि बेरोजगार अज लड़कियां नूं लड़कियां नूं असीं रुजगार भी दे रहे हैं और जिन्हां दे नाल नाल असीं अज एक उपराला कीता होया। पिछे भी कुछ समय दे विच असीं हैल्प की 3 to 4 प्लस सिलंडर जिन्हां औरतां घरे सिलंडर नहीं सी गैस सिलंडर वह भी असीं प्रोवाइड किए। अक्सर कई बार सानूं कितें पता लगे कि राशन की जां सौदे की कितें लोड़ पैंदी है कोई बेसहार है वह भी हुण असीं अज असीं नवें साल तो शुरुआत की जिहड़ी असीं जिन्ने भी आपां नूं पता अज गरीब परिवार झुग्गियां वाले जिहड़े बच्चे ने अज उह आपां अक्सर देखदे कि बेचारे किस तरह नंगे लगे फिरदे रहिंदे ने और उहनां दी जिस तरह माँ प्यो जिस तरह अपने कामकार करदे ने उह अपने बच्चों का इन्ना ज़्यादा पालन पोषण नहीं कर सकते। तो असीं अज उहनां वास्ते लई नवें साल से जो शुरुआत की है असीं उहनां लई गर्म कपड़े और नाल असी पेस्ट्रियां वगैरह बच्चों के नाल आ के नवा साल मना आए हैं। साड़ी सारी टीम का और लोक सेवा भलाई संस्था का सारिया का संयोगी हाँ और मैं उन्होंने धन्यवाद करता जी। टीम मेरे नाल अज मोढ़े ना मोढ़ा ला के मेरे नाल चल रही है और सो असी अगे जरा एक करन जा रहे होर एक उपराला करन जा रहे हैं। अगे सारी टीम नाल मैं अज एक मीटिंग करांगा। असी एक शादी करनी एक लड़की है जिंदे ना तो मम्मी है ना उनके डैडी ने बिल्कुल कोई भी परिवार नहीं, वो अपनी मासी को रह रही है। वो गलबात साड़ी हो रही है, हो सकता कि असी सारी टीम रल के असी उस विआह दे विच शामिल असी सारे होवांगे और साडे उपराले इस तरह चलते रहेंगे। और एक होर मैं नाल जिहड़ा स्कूल असी खुलवाण जा रहे हैं जिहड़ा फिरोजपुर जिले दे विच मैं गलबात कर रहा जिंदे विच अज झुग्गियां वाले बच्चे नहीं जाते दूर उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा सकते और मैं चाहना कि वो बच्चे भी पढ़न तो अपना भविख बनाओ उन्हें सही स्कूल की भी अज की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सब तो ज़्यादा लख लख अपनी टीम को वधाई देना कि जिन्होंने मेरे ना मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के जुड़े और साड़ियाँ होर भी टीम ने और जगह जगह होर भी कई जगह मीटिंग से गई हुई ने। इस करके मैं उन्होंने भी मैसेज लाना कोई जिते भी सारे हो आप भलाई का काम करते रहिए। अक्सर आप जिन्हें भी अपनी सारे असी कोई बाहरों फंड नहीं लिया किसी का सानू किसी तरह का कोई फंड नहीं है सानू किसी लीडर का नहीं है। असी जिन्हें भी सारे अपनी जेब के थोड़ा थोड़ा करके सारे का सहयोग दें सो मैं सारे का धन्यवाद करता। साढ़े जो कैमरामैन आए जिन्हें गुरमेल जी कारू साहब और साढ़े जिन्हें भी नाल पास्टर जी और भी साढ़े जिन्हें भी नाल जुड़े हुए टीम मैं सब का धन्यवाद करता और मैं अपना धन्यवाद करता अपने घर जी का जिन्होंने सपोर्ट के नाल ये सारी टीम और सारे जिन्ना भी स्टाफ चल रहा है। सर अपने पंजाब दे विच किन्ने को लगभग तुहाडे कोल स्टाफ है जिहड़ा टीम है जो तकरीबन मेरे को इस टाइम 1500 के नेड़े कल्ले टीचर ने ओनली जे गल करिए तो साडा जिहड़ा फील्ड ऑफिसर ने वो अलग ने जिहड़े असीं हुण नवें भी अगे शुरुआत करवा रहे हैं। असीं कहिंदे बच्चे अज आपां अक्सर ही वेखदे हाँ साडा सिलाई सेंटर खोलण का मकसद ये आ
कि आप देखते अज जिन्हें भी बच्चे अज कोई बूट शॉप से लगा जी, कोई कपड़े वाली दुकान पर लगे हुए, कोई अज देखिए कोई बेचारा दिहाड़ियाँ कर रहा है, कोई बेसहारा, कोई असं कहने के उन्होंने कितने भी दिहाड़ी करने की लड़ नहीं, बच्चों असी सिलाई कढ़ाई का वाल उन्होंने पिंड पिंड अच्छी शहर शहर सिखा रहे कि बच्चा अपना भविख बनावे, अपना परिवार चलाए। कल अनमैरिड लड़कियां ने तुम्हें पता मैरिज होनी है, कल विआह करा के कल अपने अज आप नशा देखते सब तो ज़्यादा किन्ना फैलिया खड़ा अपने इलाके पूरे पंजाब की भारत के चल रहा है। अज की दुनिया नशे के डुबी पई है, वो की कर दी औरतें कल बेचारियां जो अपना बच्चे पालन की खातर उन्होंने किसी के भांडे मांजने पैंदे आ जां किसी बूट शॉप जां कितें दिहाड़ियां, मैं कहना कितने भी दिहाड़ियां करन की लोड़ नहीं है, तो ही अपना आपदा काम कर। जिस तरह अज गल करिए अज 300 रुपया लैनिंग वाले सूट की सवाई भी ले जान, वैसे तो 500-700 रुपया चल रहा, जे पिंड च बैठी 300 रुपया लैनिंग वाले सूट की सवाई लैन तो महीने का 9000 बंद है। उस बच्चे कितने भी जान की कित दिहाड़ी करन की कित इधर उधर काम करन की लोड़ नहीं, वो अपना परिवार अपना भविख बहुत वधिया चला सकते। साड़ी ये सदा ली सोच रहेगी, सदा तक जब तक सार रहेंगे असं काम संस्था के नाल जुड़े रहेंगे। सो लोक सेवा भलाई संस्था के प्रधान सर थॉमस पट्टी जी, जिन्होंने कि मेरे एक सवाल के भी वैसे सारा कुछ ही दसता भी ना ही इन्हों किसी राजनीतिक लीडर की कोई सपोर्ट है, ये आदि संस्था वालों जिन्ना को इन्हों का एडजस्टमेंट होंगी है वो नाल पूरे पंजाब दे विच समाज सेवा के भी कम करते रहते हैं, और जिहड़ा कि लड़कियां लई सब तो वड्डा जिहड़ा भलाई का काम जिहड़ा सिलाई सेंटर इन्हां दे हर पिंड हर शहर दे विच जिहड़े कि खोले हुए ने। मैं बहुत वधिया लग्या कि अज गरीब बच्चों के कपड़े बन रहे हैं और बड़े चंगे सोहने विचार ने, बहुत चंगे इंसान ने, मैं काफ़ी समय तो इन्होंने जानता है मिलता और अज इन्हां दे विच शामिल हो के मैं भी अज आनंद उठा रहा इन्हां दे विच हो के, क्योंकि बहुत ही वधिया लोग भलाई संस्था का काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी टीम वधिया काम नाल कर रही है और परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, दुगना तिगनी बरकत दे, दिनों दिन परमेश्वर वधदे जावन इन्हां दी होर जिहड़ी पूरी टीम लई मैं धन्नवाद करदा हाँ कि बहुत वधिया काम कर रहे हैं, तो इन्हां दा सारे इन्हें गल्लां च कहिंदे बहुत धन्नवाद। लोक सेवा भलाई संस्था के मैडम ज्योति मैडम जिहड़े कि सैकटरी ने संस्था के, उन्हां नाल गल्लबात करांगे भी उन्होंने ये संस्था के काम करके कि वधिया लग रहा और किस तरह उपराला लगे इस संस्था का। हाँ जी, सारे मेरे वालों जैमसी जी। हाँ जी, मैं लोक सेवा भलाई संस्था च सैकटरी तौर पर काम कर रही हाँ, जो अज साडे सर पंजाब के प्रधान सर थॉमस पट्टी जी और साडे सोनम मैडम प्रिंसीपल सोनम पट्टी जी, सानू बहुत वधिया लग रहा है कि अज असी सारे मैडम होरां नाल जोड़ के बहुत वधिया लग रहा है, क्योंकि जो अज भलाई के काम कर रहे हैं कि अज गरीब परिवारों नू असी कपड़े और पेस्टियां वगैरह लैके आए हैं, क्योंकि देखो जी चंगे इंसान नाल तो सब कोई निभा सकता है, पर एक कहिंदे ना गरीब परिवार नाल बहुत वधिया लगता है, जो असी इन्हां दे विच विचकार आंदे हाँ तो कुछ इन्हां दीआं नाल गल्लां सांझियां करदे सानू बहुत वधिया लगता है, और साडे सर जो ने बहुत वधिया इंसान ने, तो जिवें कि भलाई के काम करते हैं सानू बहुत अच्छा लगता, और जो साडी टीम है LBS दी इन्हां दे नाल जो असी विचार करते हैं वो साडा संजोग देंदे ने, सो थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ सब का, तो मैं बहुत वधिया लगता क्योंकि कल्ला बंदा बड़ा नहीं हो सकता, जो भी मेरे नाल टीम इन्ना साथ दिता, लेडीज ने वर्कर ने जिन्हें भी मेरे बहुत कंधे नाल कंधा जोड़ के चलते ने मेरे नाल, तो मैनू भी बहुत वधिया लगता क्योंकि इन्हां नाल ही आपां अगे वधना, क्योंकि जे देखो अज सूट वाले सिलाई सीखने वाले लड़कियां कई अनपढ़ बच्चे होंगे ने, संस्था तो बहुत पर कह लेंगे ने कई बार भी पढ़े लिखे बच्चा हो फिर उन्होंने सिखा सर्टिफिकेट उन्होंने देना, पर अपनी LBS जी संस्था इन्हें कोई पढ़ाई नहीं कोई कुछ नहीं, बच्चे हुनर देना किसी तरह भी बच्चे कामयाब करना, यह साड़ी टीम का तो साड़ा सुपना है, सो थैंक यू। धन्यवाद जी। लोक सेवा भलाई संस्था के जेडे सलाहकार ने शिंदर सिंह जी, वो भी साडे नाल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करांगे, उन्होंने किन्ना समा हो गया संस्था के काम करद्या और किस तरह उन्होंने लगता है काम करके किन्नी खुशी मिलती है, कहिंदे ने किसी की सलाह तो बिना भी कई काम अधूरे रह जाते हैं, तो सलाहकार ने संस्था से गलबात कर लें। सर नाम दस दो अपना। सर जैमसी जी, नाम मेरा शिंदर है, जो कि मैं पिछले 5 साल तो लोक सेवा भलाई संस्था के नाल जुड़िया और मैं बहुत सारे इस संस्था के जुड़ के खुशी महसूस की है कि जो अज का
खुशी का दिन है, जो नवा साल है, जो साढ़े जिंदगियों के अज परमेश्वर ने बचकिया है। पर मैं पहला सब तो शुक्रगुजार उस परमेश्वर का धन्यवाद करता भी जिन्होंने सानू इस जगह पर इकट्ठा किया और इस लायक योग बनाया कि असी लोगों के गरीब परिवारों की सहायता मदद करिए। पर मैं सर थोमस पट्टी पंजाब प्रेसिडेंट प्रधान जो साढ़े गुरु जी ने, मैं उन्होंने धन्यवाद करदा भी जिन्होंने सानू इस संस्था के सेवा करन दा बहुत वड्डा मौका दिता है और सानू इस काबिल बनाया भी असी जगह जगह पर जाके सेंटर खोलीए और गरीब परिवारों की सहायता मदद करिए। और मैं सर थोमस पट्टी का सब तो धन्यवाद ये करदा कि जो इन्होंने जो सुपना देखा जो नवे साल के सानू भी लैके आए, शुरुआत की बहुत वधिया कि असी गरीब परिवारों की जो सहायता मदद कर जा रहे हैं। असी इस लायक नहीं सी, योग नहीं सी भी असी ये सब कुछ करिए, पर अज जो भी हाँ, जो कुछ भी हाँ, असी अपने सर की बदौलत जो भी इस जगह पर खड़े हाँ, अज उन्हों की बदौलत जिन्होंने सानू इस संस्था के जोड़िया है। और मैं सब का धन्यवाद करदा कि जो भी इस संस्था के जुड़ना चाहते हैं वो साढ़े गुरु जी नाल कनैक्ट करके संस्था के योगदान लै सकते हैं और गरीब परिवारों के जो भी मदद करना चाहता है वो कर सकता है। मैं जी सारे मैं गुरिंद्रपाल लखू के बतौर फील्ड अफसर लोक भलाई संस्था के वर्क कर रहा जी, और लास्ट लगभग करीब साल तो ही मतलब कि मैं इस संस्था के नाल जुड़िया हुआ, जो कि मैं बहुत ही बहुत वड्डा माण मिलिया इस संस्था तो। और गरीब परिवारों की हैल्प करने वास्ते असी सारे ही एकजुट एकत्र होकर असी गरीब परिवारों की बच्चों की हैल्प करते हैं, जो कि किसी भी बच्चे किसी बतौर कोई राशन कपड़ा लीड़ा जो भी किसी चीज़ की लोड़ होंगी आ। साढ़े इस संस्था के सीनियर पंजाब के प्रेजिडेंट श्री थोमस भट्टी जी साढ़े मौजूद रह के असी अक्सर ही गरीब बच्चों के घर घर जाके असं उन्हें मदद कर रहे हैं। किसी बर्थडे विश करने वाले बच्चे की भी असी उन्होंने भी घर पहुँच के उस बच्चे का बर्थडे विश करते हैं, बच्चे की बर्थडे मनाने परिवार के नाल, और सानू बहुत ही माण महसूस हों, क्योंकि असी गरीब परिवार के नाल बच्चे के नाल जो असी आप सांझ करते हैं तो बहुत ही सानू खुशी महसूस होंगी है, क्योंकि वो भी एक आस होंगी, उस बच्चे की आस पूरी हो जाती है, उत्थे रब खुश होंगे जो सानू भी बहुत खुशी मिलती है। और इस संस्था के जो सीनियर साढ़े सरदार थोमस भट्टी जी बहुत ही वड्डा उपराला लैके इस पंजाब दे विच आए आ, पंजाब दे वख वख शहरां दे विच पिंडां दे विच, जो कि उन्हां दा एक बहुत वड्डा योगदान है, कोई गरीब बच्चों नूं एक वधिया ढंग दे नाल बेसहारा नूं सहारा दिता जांदा आ, और लड़कियां नूं जो कि सिलाई कढ़ाई दे काम वास्ते जो कोचिंग दिती जा रही आ, और हर पिंड दे विच सेंटर खोले जा रहे आ, और जदों असीं कितें एकत्र हुंदे आ फंक्शन दे विच तकरीबन सारे मीटिंग हुंदी आ, मीटिंग च बुलाया जांदा और बहुत ही वड्डे हुंगारे दे नाल असीं सारे इकट्ठ करके असीं श्री थोमस भट्टी दा धन्नवाद करदे आ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही वड्डा उपराला करके इस पंजाब दे नगरां वास्ते शहरां वास्ते बेसहारा बच्चों वास्ते लड़कियों वास्ते खास करके जिन्हां नूं हुनर विकास वास्ते एक बहुत वड्डा सिस्टम नूं चलाया, जो कि बच्चियां बहुत वड्डियां आपदी शिक्षा लैके और गांह कामयाबी हासिल कर दियां, क्योंकि उन्होंने किसी के हथां नहीं वेखना पैंदा, क्योंकि वह खुद हुनर विकास हो जांदियां आ और अपना हुनर लैके और वध तो वध आपदा जिहड़ा उह सफलता प्राप्त कर देंदियां। मैं अपनी सारी टीम नूं LBS परिवार का जिन्ना मेरे से अज टीम इतने एकत्र हुई आ, श्री थोमस भट्टी जी के कहने पर अज इतने एकत्र हुए असी, और मैं उन्हों का बहुत सारी टीम का बहुत धन्यवाद करदा, और इस तरह आस करदा कि साड़ी सारी टीम एकत्र होकर जिन्या भी किसी दिया बच्चों दिया मुश्किलां आ जां किसी नूं पीड़ित है गया उन्हों का असी आसरा बनते रहिए। सो इन्ना कहिंदा होया धन्यवाद मैं गुरिंद्रपाल लखोके, और बहुत खुशी महसूस करदा इस संस्था के वर्क करन दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, सत श्री अकाल सारे। अच्छा असी लोक सेवा भलाई संस्था वालों फील्ड अफसर हाँ, तो सर थोमस भट्टी ने बहुत वधिया काम किया, बेरोजगार लड़कियां नूं जॉब दिती, एक जिहड़ियां घरे बैठिया सी, घरे रह के आपां घर दा ही काम करदे आ, पर जदों असी फील्ड विच निकलदे उदों सानूं पता लगदा किदां दे लोग है, कईआं नूं जॉब भी नहीं मिलदी। तो लोक सेवा भलाई संस्था के जो सर इन्हां ने बहुत वधिया काम किया, लड़कियां नूं जॉब दिती, लड़कियां नूं जॉब दिती, इन्दे विच जिहड़ियां लड़कियां अनपढ़ उन्हां नूं भी काम दा हुनर एक सिखाया, वह अपने अचार पापड़ का काम कर सकदी हैं, सिलाई कढ़ाई का पार्लर का अपना हुनर दिखा सकदी हैं, अगर वह सीख के वह अपना हुनर दिखा सकदी हैं। इन्हां दी मैनूं लोक सेवा भलाई संस्था की बहुत वधिया गल लगी, थैंक यू जी, तो सो धन्यवाद।